बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कृषि फसलों का किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो एग्री कमोडिटीज में सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे कैसे सीड से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त कैसे सीड का सेप्टेम्बर वायदा 6218 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 1.25% की गिरावट सेप्टेम्बर वायदे में बनती हुई नजर आ रही है। यहीं से नजर डालें अगर अक्टूबर वायदे की तरफ तो देख रहे हैं कि कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6302 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 1% की गिरावट कैसे सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। बीते कारोबारी सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन हमने देखा था कि कैसे सीड के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त बनती हुई नजर आई थी। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल जो रुझान है कैसे सीड का जानकार लगातार तेजी की ओर बता रहे हैं, क्योंकि कैसे सीड के जो फंडामेंटल्स है वो भी काफी अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं, मजबूती की ओर है। तो आज कैसे सीड में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने कैसे सीड के अंदर एक अच्छी तेजी आती हुई देखी थी, आज देख रहे हैं कि सप्ताह के पहले कारोबारी दिन एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग कब तक जारी रह सकती है और तेजी कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड कैस्टर का देखें तो कैस्टर का अपसाइड का ही ट्रेंड लग रहा है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही लग रही है, क्योंकि आज का मूव जो है एक रेंज बाउंड मूव में स्टक किया हुआ है। पहले सेलिंग देखी थी, उसके बाद में अभी रिकवरी भी हम देख रहे हैं कि रिकवर हो रहे हैं प्राइसेस। 6180 का सपोर्ट है, 6180 से ऊपर जितनी देर ये कमोडिटी ट्रेड करेगी चांसेस हैं कि 6300 और 6400 को इमीडिएट टारगेट करेगी, और आने वाले हफ्तों में हम देखेंगे कि इसमें बाइंग जो है वो लौट के आएगी। और प्राइसेस जो थे वो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में थे, इसी वजह से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी जी। ये सर रविंद्र जी, बात करेंगे चने की तो देख रहे हैं कि सितंबर वायदा 5025 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 1.5% की गिरावट के साथ, और अक्टूबर वायदा भी 5100 पर कारोबार कर रहा है, इसमें भी 1.5% की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि वीकली क्लोजिंग आते आते लगभग 5200 के लेवल्स देखने को मिले थे, अब देख रहे हैं कि 5100 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो रविंद्र जी, अब आपको यहाँ से क्या लगता है चने में आगे अब क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, चना की बात करें तो चना में मिक्स्ड व्यू के साथ ही कमोडिटी ट्रेड करेगी आने वाले समय में भी। फेस्टिवल जैसे ही पास आएगा उस टाइम पे हम इसमें देखेंगे कि इस कमोडिटी में बाइंग जो है वो इनिशिएट हो जाएगी अगेन से, लेकिन जब तक फेस्टिवल थोड़ा दूर है तब तक चांसेस यही लग रहे हैं कि ये 4800 से 5200 की जो लंबी रेंज है उसी रेंज में ट्रेड करेगा। और अभी इस समय अगर देखें तो आने वाले 2-3 दिन में इसमें सेलिंग देखने को मिलेगी, और उसके बाद में अगेन थर्सडे और फ्राइडे से फिर उसके बाद आगे हम बाइंग आती हुई देखेंगे इस कमोडिटी में, और रेंज जो है वो इस कमोडिटी की रहेगी 4800 से 5200 जी। तो यानी कि सप्ताह की शुरुआती कुछ कारोबारी दिनों तक चने की कीमतों में एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिलता रहेगा बिकवाली के साथ, जो कि नीचे में 4800 तक गहरा सकती है। चने में जो कीमतें हैं नीचे में गिरावट के साथ 4800 के लेवल्स पर ट्रेड करती हुई नजर आ सकती हैं, और ऊपर में 5200 तक का लेवल चने की कीमतों में देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे त्योहारी सीज़न या कुछ त्यौहार बीच बीच में आते रहेंगे चने की कीमतों में इजाफा देखने को मिलता रहेगा, अदरवाइज़ एक सीमित दायरे में ही एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चने की कीमतों में देखने को मिलती रहेगी। जी सर रविंद्र जी, बात करें अगर बिनौला खल की तो देख रहे हैं कि सितंबर वायदा 2400 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपसे आखिरी बार बात हुई थी कि बिनौला खल की कीमतों में 2400 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, आज हम वो देख रहे हैं। तो रविंद्र जी, अब आपको क्या लगता है क्या बिनौला खल की कीमतों में यहाँ से अभी और गिरावट आ सकती है या फिर यहाँ से एक सेलिंग निकलती हुई नजर आएगी? देखिए, कुक्कुट की बात करें तो कुक्कुट में फर्दर बाइंग जरूर देखने को मिलेगी। अभी फॉर द टाइम बिंग जैसे हम देख रहे हैं कि ऑयल सीड पैक जो है ये सेलिंग साइड में जा रहा है, साथ साथ में कॉटन जो है उसमें भी हम सेलिंग देख रहे हैं, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो थे ये स्लिप हो रहे हैं डाउन साइड, लेकिन अभी करेक्शन जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हुई दिख रही है। अब चांसेस यही लग रहे हैं कि 2200 से 2300 की जो रेंज रहेगी इसी रेंज के बीच से ये कमोडिटी कंसोलिडेट करके अपसाइड का मूव जो है वो ले सकती है, और अपर साइड में 2600 को टारगेट कर सकती है, लेकिन अभी भी यहाँ से 200 पॉइंट का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल है वो 2200 के आसपास का है और उसी के आसपास जाके इसकी करेक्शन जो है वो कंप्लीट होती हुई दिखेगी। वीकली चार्ट पे भी बात करें तो वीकली चार्ट पे भी अभी डाउनसाइड जो है ये
देखने को मिल सकती है, और वही फंडामेंटल भी इसी तरीके का इशारा कर रहे हैं कि थोड़ी करेक्शन और इस कमोडिटी में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए जाना है तो ये रेंज काफी अच्छी रहेगी 2200 से 2300 की। जी, तो यानी कि बिनौला खल की कीमतों में अभी गिरावट गहरा सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए उस गिरावट पर खरीदारी करके रविंद्र जी के अनुसार चला जा सकता है। बिनौला खल में अभी कुछ समय तक एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने के बाद एक बार फिर से खरीदारी निकल के सामने आ सकती है। रविंद्र जी, यहाँ से बात करें अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि मसाले में धनी में सबसे ज़्यादा गिरावट बनती हुई नज़र आ रही है। 4% का निचला लोअर सर्किट आज हम धनी की कीमतों में बनता हुआ देख रहे हैं, अपने एक सपोर्ट लेवल पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। और धनी के साथ साथ देख रहे हैं कि जीरा और हल्दी की कीमतों में भी एक गिरावट के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। पूरा ही स्पाइस कॉम्प्लेक्स आज एक लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। रविंदर जी, अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या यहाँ से मसालों की एक्सपोर्ट डिमांड कुछ कम हुई है, कुछ फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं, या फिर ये एक महज प्रॉफिट बुकिंग है? देखिए, एक तो रिवाइवल हुआ है मॉनसून रेन्स का, उस वजह से प्राइसेस पे जो ड्राई वेदर था उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो रिवाइवल हुआ है रेन का उस वजह से प्राइसेस पे थोड़ा प्रेशर है, और वही प्रेशर जो है हम देख रहे हैं कि प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी धनिया प्राइसेस जो है ये कंटिन्यूस 3 दिन से सेलिंग पे चल रहे हैं, और बाकी कमोडिटीज की बात करें तो जीरा को छोड़ के टर्मरिक में भी हमने सेलिंग देखी है। जीरा में भी कंटिन्यूस 2 दिन से हम देख रहे हैं कि टू सेलिंग मोड पे ये चल रही है कमोडिटी। आने वाले दिनों में थोड़ा सा प्रेशराइज रह सकती है, क्योंकि मॉनसून का जैसे रिवाइवल हुआ है और जो ड्राई वेदर था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, और उसी वजह से लग रहा है कि स्पाइसेस पैक है इसमें जो बल्क बाइंग हो रही थी उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्योंकि इसमें जो वाटर कंटेंट होता है ये ज़्यादा हो जाता था, उसके बाद में जो स्पाइसेस का क्वालिटी रहता है वो थोड़ा सा गिर जाता है, और इसी वजह से शायद चांसेस यही लग रहे हैं कि इसी वजह से डिमांड जो है ये थोड़ी कम हुई है, और उसी वजह से प्राइसेस जो है ये डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी थोड़ा सा प्रेशराइज जरूर दिखेगा ये पैक, लेकिन उसके बाद में रिवाइवल के चांसेस भी हैं, क्योंकि दिवाली आ जाएगी 1 महीने के बाद, और उस टाइम पे फर्दर अगेन इसमें बाइंग देखने को मिलेगी, तो अभी थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक डिप के बाद अगेन इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। जी रविंद्र जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देखें कि ग्वार सीड में 5% का लोअर सर्किट लग चुका है और ग्वार गम के अंदर 2.5% का। रविंद्र जी, अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या यहाँ से ग्वार के प्राइसेस थोड़े अपवर्ड जाने की थोड़ी और गुंजाइश है, या फिर यहाँ से अब लगातार लोअर सर्किट ही लगते हुए नजर आएंगे? देखिए, ग्वार का डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड जो है ये काफी अच्छा है, ये प्रॉफिट बुकिंग के ज्यादा मेरे को लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है हमें अभी ग्वार में। अभी अगेन इसमें रिवाइवल देखने को मिल सकता है, अभी चांसेस ये चार्ट पैटर्न भी जो है ये भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अगेन इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है। ग्वार सीड की बात करें तो 6200 के आसपास का सपोर्ट है, वहीं गम की बात करें तो 10-200 के आसपास का सपोर्ट है, तो गम में ज़रूर यहां से हम सेलिंग देख सकते हैं करीब 200-250 पॉइंट की, और ग्वार सीड में भी करीब करीब 100 पॉइंट की गिरावट यहां से देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो बाइंग साइड में ही ये कमोडिटी रहनी चाहिए अभी फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि जो डिमांड है उसमें गिरावट नहीं देखी जा रही है, और प्राइसेस ऑलरेडी 8 ईयर्स हाई पे थे, इसी वजह से हमने देखा कि यहाँ से सेलिंग बनती हुई दिख रही है, और उसी वजह से हमने देखा कि आज प्राइसेस जो हैं वो लोअर सर्किट पे हैं, लेकिन ग्वार गम की बात करें तो वो लोअर सर्किट पे नहीं है, ग्वार सीड जरूर है इस समय लोअर सर्किट पे, और यहाँ से ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि अपर साइड में रिवाइव करेगी। जी रविंद्र जी, यहाँ से बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो हम देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड के अंदर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नज़र आ रही है, हालांकि जो लेवल्स हैं वो भी अच्छे खासे हैं, अभी भी 8600 के अबव अभी कारोबार दर्ज किया जा रहा है, लेकिन वो वाले लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं जो हमने लास्ट वीक के एंडिंग तक आते हुए देखे थे, और रिफाइंड सोया तेल भी 1370-1380 पर जो सस्टेन होकर चल रहा था वो भी अब 1320-1330 की एक रेंज पकड़ चुका है। बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी एक हल्की सी बढ़त है, लेकिन जो लास्ट वीक हमने देखा था लास्ट वर्किंग डे पर वो देखने को नहीं मिल रहा है, तो अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या यहाँ से बिनौला खल की तरह खाद्य तेलों में भी एक गिरावट बनती हुई नजर आएगी, या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं कीमतें संभल सकती हैं? देखिए, ऑयल सीड पैक की बात करें तो ऑयल सीड पैक में थोड़ा सा मिक्स व्यू यहाँ पे रहने वाला है। सोयाबीन जो है ये सपोर्टिव रह सकती है, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में जरूर हम इसमें बाइंग आती हुई देखेंगे,
यहाँ से चांसेस ये लग रहे हैं कि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 7000 की तरफ मूव कर सकता है, जो अभी 6380 के आसपास ट्रेड कर रही है कमोडिटी, क्योंकि यहाँ से हायर साइड इसका जो फंडामेंटल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं कि ये प्राइसेस जो है ये थोड़ा अपसाइड मूव करें। और वहीं मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड में भी ओवरऑल अगर देखें अभी न्यू जो इसकी अराइवल्स आने हैं उसके लिए 5 से 6 महीने का टाइम है, और उसमें अभी जो स्टॉक रिपोर्ट आई है स्टॉक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30 लाख टन का ही इनके पास स्टॉक जो है वो बचा हुआ है और 5 से 6 महीने का टाइम है, तो आई गेस स्टॉक इसमें कम हो सकता है आने वाले समय में, और उस समय हम इसमें देखेंगे कि ये बाइंग साइड में चलेगी। और ये कमोडिटी इसी तरीके से मूव करती हुई है आई है, पीछे से भी हमने जब देखा लोअर लेवल से बाइंग आती हुई है आई है और उसके बाद में बीच बीच में करेक्शन लेती आई है कमोडिटी, तो उसी तरीके की करेक्शन है ये, इसमें तो ज्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिल रही, लेकिन सेलिंग देखने को मिलेगी सीपीओ में और सोया रिफाइंड में। सीपीओ में भी प्राइसेस जो है ये डाउनवर्ड स्लिप कर सकते हैं, 1080 तक की ये सेप्टेम्बर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये करेक्शन ले सकता है। वहीं सोया रिफाइन की बात करें तो सोया रिफाइन में भी हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है 1290 तक, वहां से अगेन बाइंग इनिशिएट हो जाएगी, लेकिन अभी ये दोनों कॉम्प्लेक्स में सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन सोयाबीन और मस्टर्ड सीड में जो है ये बाइंग की तरफ ही रहेंगे। जी रविंद्र जी, खबर ये भी निकल के सामने आई कि जो सरकार है उसने खाद्य तेलों की जो बेस कस्टम ड्यूटी है वो घटा दी है, तो इसका असर एडिबल ऑयल की प्राइसेस पर कितना पड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए अभी तो मैंने ये न्यूज नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो चांसेस यही है कि प्राइसेस जो है ये थोड़े से सपोर्टिव रहेंगे, अगर ऐसा हो सॉरी करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी अगर ऐसा होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं वैसे तो अगर ऐसा होता है तो ऑलरेडी प्राइसेस जो है वो मूव कर चुके हैं उस तरीके की डायरेक्शन, अगर ऐसा र्यूमर मार्केट में है तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 1 से 1.5% की गिरावट हो चुकी है, और वही गिरावट होगी और वो जो रहेगी वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो इसके ट्रेंड्स हैं वो अपसाइड के लग रहे हैं। जी रविंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे वो टॉपिक्स जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए यहाँ से हम मेंथा ऑयल में बाय करके चल सकते हैं, मेंथा ऑयल में जरूर यहाँ से लग रहा है कि चांसेस हैं कि अपसाइड में 990 तक ई कमोडिटी मूव कर सकती है, स्टॉप लॉस रहेगा 962 का। और दूसरा जो है ये हम ग्वार सीड में लेके चल सकते हैं, ग्वार गम में सॉरी, गौरगम अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके चल सकते हैं और टारगेट करेगी अपसाइड में 10850 का, स्टॉप लॉस रहेगा 10400 के अराउंड का। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो यह था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स पर।